Hi, what's up? Welcome back to my channel. So done with everything. Now we are gonna go outside Delhi. First day, guys. So be with us. Guys, आप सभी को मैं दिखाता हूँ दिवाली की जो होते हैं ना स्पेशल गिफ्ट्स, मिठाई, वो सब दिखाता हूँ। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ जमा मस्जिद पर, लोग की जमा मस्जिद के आसपास की देखो सिनारी वो ऐसा कुछ होता है गाइस। ये जो यहाँ पे ये आया था हम जमा मस्जिद देखने के लिए, कैंपस तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन आज दिवाली फर्स्ट डे पे बहुत ही ज़्यादा लोग है यहाँ पे जमा मस्जिद पे। यार ढेर सारा लोग, यार यहाँ से बाहर जाकर कहीं और जाना चाहिए क्योंकि ये भी इतना शोर में भाई, आई कैन बियर है ना, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा अभी नहीं। तो गाइस जमा मस्जिद की बाहर जाते आप लोगों को मिल जाएगा बहुत सारा, आसपास में बहुत सारा दुकान मिल जाएगा आपको। ये है फ्लोरल चार्ट्स, ब्रांडेड शूज, फर्स्ट कॉपीज। सो गाइस ये है बाहर की हाल चाल जमा मस्जिद की, बाहर की मार्केट ऐसे लगते हैं चप्पल्स बहुत सारा, गारमेंट्स मिल जाएगी इस तरफ, बच्चे लोगों का बहुत सारा है, सामान यहाँ पे बैग्स है। यार यहाँ पे ट्रैक पैंट्स, लोकर्स, बहुत चीज़ें यार, बहुत चीज़ें भाई, अब चूज करने में प्रॉब्लम हो जाएगा यार, पहले अच्छे से घूम लो उसके बाद ही खरीदना है ना। यार मजा नहीं आ रहा यार, बाय बाय यार। फिर उषा के लाइक कहाँ गया, बाहर जा रहे हैं या तो कुछ ऐसे देखने का चीज कुछ है नहीं। और अभी जमा मस्जिद की सीधा सीधा बाहर निकल के जो मेन रोड है उसी पे आ गए हम कहीं और जाने के लिए, और सामने फिर नज़दीक में और भी कुछ देखने का जगह है वहाँ जाके देखेंगे। सो बाय गाइस।
सो गाइस अभी जाएंगे हम लाल किले रेड फोर्ट पे जाएंगे, उधर जाके देखते हैं कुछ अच्छे अगर देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स रेड फोर्ट तो अच्छा ही देखने को होगा। आज अभी यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग से पार होकर उसी तरफ जाके हम लोग जाएंगे रेड फोर्ट। सो या स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो गाइस रास्ते के उस पार पे है रेड फोर्ट, अभी हम जाएंगे रेड फोर्ट पर। पता नहीं रास्ता कौन सी साइड से जाना पड़ता है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं रेड फोर्ट पर। आप लोग साथ में रहिए गाइस, साथ में रहिए। Hi, what's up guys, welcome back to my channel। अभी हम जा रहे हैं रेड फोर्ट पर, अभी यहाँ से लेकर शायद 15 मिनट तक लगेंगे रेड फोर्ट जाने के लिए। आप लोग साथ में रहिए, आप लोगों को दिखाता हूँ रेड फोर्ट। गाइस अभी मैं जाने जा रहा हूँ रेड फोर्ट के अंदर। सो गाइस मैं पहुँच गया रेड फोर्ट के सामने, आप लोगों को दिखाता हूँ बैक कैमरा से। आप लोग देखिए कि रेड फोर्ट बाहर से कैसे दिखते हैं। एंड मैं सामने टिकट काउंटर के सामने बैठा हूँ, एंड पापा जी गए उधर चार टिकट बुक करने के लिए। अंदर में जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि रेड फोर्ट कैसा देखते हैं अंदर से। बाहर से आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, एंड अगर कैमरा अंदर अलाउ होगा तो फोर्ट मैं अंदर भी दिखा दूँगा आपसे दिखो, ठीक है। गाइस अभी हम जाएंगे रेड फोर्ट के अंदर, ट्राइपॉड का अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि ट्राइपॉड अलाउड नहीं है अंदर। सो आई बी गोइंग ओनली विद मोबाइल, सो दैट्स इट। आप लोग साथ में रहिए, अंदर की सब कुछ दिखाऊंगा मैं, कोशिश करूंगा दिखाने के। आप लोग साथ में रहिए वीडियो के अंत तक, बाय बाय। सो लेट्स एंटर इनसाइड, अंदर जाके देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। सो लेट्स वेलकम टू रेड फोर्ट। गाइस आप लोग अंदर जाते ही ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, सीढ़ियाँ हैं सामने जाके राइट साइड में, दोनों साइड पे सीढ़ियाँ हैं, ऊपर भी जा सकते हैं आप लोग। ये है रेड फोर्ट की अंदर की सिनेरियो। ये झूले बैग्स दोनों तरफ में, आप लोग दुकान देखने सीधा सीधा जाके पता नहीं क्या मिलेगा, जाके देखते यार, पता नहीं यार। यार वन मोर थिंग, रेड फोर्ट के अंदर बाजार भी देखने को मिलेगा आप सभी को। अंदर में बाजार दोनों साइड में, अगर चल के आओगे सीधा लेफ्ट टर्न लोगे तो दोनों साइड में रास्ते की बाजार देखने को मिलेगा। यहाँ पे ज्वेलरी शॉप्स एंड बहुत सारा यार गारमेंट्स भी है, एनीथिंग यू वांट सब कुछ मिल ही जाएगा यार, सब अट्रैक्टिव है चीज़ें। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट भी है आप लोग, हैंडीक्राफ्ट से तो सुंदर है यार। ये भी ज्वेलरी साइड में भी ज्वेलरी।
सो इधर यहाँ पे ना सिमेट्री है बहुत ज़्यादा, सिमेट्री इज़ वेरी मच, क्योंकि एक ब्यूटी मेंटेनेंस के लिए सिमेट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो यहाँ पे दोनों साइड में पैरों की डिस्टेंस एंड पैरों की जो एक पैर के साथ और एक रो टू रो डिस्टेंस होता है, ये भी मेंटेन किया हुआ है, एंड प्लान टू प्लान डिस्टेंस भी एकदम मेंटेन करके रखा हुआ है। ये आप लोग देख लो, तो अगर मैं बैक साइड लुकिंग क्वाइट ऑसम, शाम के टाइम पे चिड़ियों के साथ और भी जो ब्यूटीनेस और इसकी जो सराउंडिंग्स है वो काफ़ी अच्छा लग जाता है, जितना है उसकी भी बरकरार लगता है यार। ये देखो वो जो गेट आप लोग देख रहे हो ना, उसी साइड से हम आए हैं। अब यहाँ गेट के सीधा हो गया तो ये मिलेगा आपको, देखते सामने जाके। ये रात को काफ़ी मज़ा आएगा इस ये सब जगहों पे, क्योंकि लाइटिंग के साथ फोटोज़ तो भाई बहुत ही अट्रैक्टिव आने वाले हैं। लोग देखो ना यार, क्या है मस्त जगह है। तो लाइटिंग तो काफ़ी अच्छा है यार, लुक्स गुड। कुछ कुछ जगहों में लाइटिंग ज़्यादा है, कुछ कुछ जगहों में लाइटिंग काफ़ी कम है, इसी कारण फिर पिक्चर वीडियो क्वालिटी में डिफरेंशिएट हो सकता है। लाइटिंग देखिए आप, ऊपर से सब नीचे जाओगे ना, ओहो हो हो हो। गाइस गुड इवनिंग वंस अगेन। सो अभी टाइम निकल चुकी है, हम लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, एंड वीडियो और कर नहीं पाऊँगा आज के लिए, यह तक कि मैं ब्लॉग एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।